हाय फ्रेंड्स, मैं सफ़ीर रहमान और आप लोग देख रहे हैं आईजनते चैनल। आईजनते चैनल में आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, डीएलडी के बारे में पटना के प्रभात न्यूज़पेपर में एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है और यहाँ पे जो बताए जा रहे हैं, अगले साल से डीएलएड में शिक्षकों की नहीं होगी ट्रेनिंग। और नीचे डिस्क्रिप्शन में बताई गई है कि अगर इस साल कोई अप्रशिक्षित शिक्षक एवं विद्यार्थी डीएलडी के डिग्री के लिए नामांकन करना चाहती है, नामांकन भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जिस तरह से बताई गई है, अगर यहाँ पे देखें तो राज्य के प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में अगले साल में डीएलएड कोर्स में शिक्षकों की ट्रेनिंग नहीं होगी, ना ही इस साल ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों का नामांकन होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने संबंधित सभी संस्थानों को निर्देश दे दिया है। विभाग ने 2017 से 2019 से पहले के सेशन भी मार्च 2019 तक हर हाल में पूरा करने का साथ साथ वर्तमान में चल रहे सत्र में कोर्स पूरा करने के लिए प्रकट क्लास चलाने और इंटर्नशिप की समय सीमा भी कम करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि 31 मार्च 2015 से पहले प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त ऐसे शिक्षक जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, उन्हें 4 साल में ट्रेनिंग ले लेनी थी। ऐसे में ये 1 अप्रैल 2015 से इसे प्रभावी माना जाएगा और 31 मार्च 2019 तक ट्रेनिंग ले लेनी होगी। इस पर सत्य 2015 से 2017 में डीएलएड रेगुलर कोर्स में एडमिशन के लिए शिक्षकों का कोर्स 31 मार्च 2019 तक पूरा कराएंगे। इस दौरान अगर कोर्स पूरा करने में समय कम पड़ जाता है तो एक्स्ट्रा क्लास का आयोजन करें और ट्रेनिंग ले रहे शिक्षकों की इंटर्नशिप को कम करें। किसी भी परिस्थिति में मार्च 2019 के बाद कम कर रहे शिक्षकों का एडमिशन प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में नहीं होगा। इन संस्थानों में अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों का नामांकन होता था जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। इससे पहले आधी सिटी पर अप्रशिक्षित शिक्षक को और आधी पर टीआईटी पास अभ्यर्थियों का नामांकन होता था। तो फ्रेंड्स, पटना के प्रभात न्यूज़पेपर में जिस तरह से बताई गई है कि इस साल से डीएलडी के डिग्री के लिए नियुक्त में नामांकन नहीं होगी और अगले साल से, अर्थात अगर इस साल में नामांकन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली अगले साल ट्रेनिंग भी नहीं होगी। तो अगले साल से ना ही कोई ट्रेनिंग होगा, ना ही कोई नामांकन होगा। लेकिन आगे क्या होता है, हमें यह देखना है कि शायद आगे भी ये ओपन हो सकता है या नहीं भी हो सकते हैं। तो इस तरह के हर एक छोटी बड़ी न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे इस वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही आपके दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह की हर एक छोटी बड़ी खबर मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।